हेलो गाइस वेलकम बैक टू शकूर रिवाम चैनल गाइस सो इवा वीडियो गाइस ने आरी बुलेट जोन दर सो इदे माधापूर 100 फीट रोड इंका एक्टे करेक्ट एग्जाक्ट लोकेशन चेपाले वैएसआर स्टाच्यू पक्ने सो प्रजेंटे मैं प्रोपरेटर इकड़े उ वील ने असलाम भाई अन्ट सो इवा वीडियो मोदी सर्विसंग कस्टमाइजेशन सो सर्विस स्पेशल वीडियो अच्छे सो प्रजेंटे मैं वीडियो स्टार्ट आ तर एम वर्क जो मोदी चूंता गाइस सो लिस्ट आफ द वीडियो ఇప్పటి వరకు మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే షకూర్ రివాంప్ అని టైప్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేసి మొదటగా నా నోటిఫికేషన్ ని పొందగలరు हाय गाइस अपने पास सर्विस तो पूरा फुल सर्विस होता है मतलब अलग अलग का डिपेंड सर्विस होता है जैसे लोकल्स दुकान का सर्विस अलग होता है जैसे शोरूम सर्विस अलग होता है जैसे प्राइवेट कंपनी का सर्विस वो अलग ही रहता है अब सर्विस में भी डिफरेंट रहता है नॉर्मली ऑयल चेंज कर दो इमीडिएट कोई कस्टमर को इमीडिएट निकलना रहता अब कस्टमर बेसिकली फुल सर्विस कर दो ये अलग डिफरेंट रहता एक और एक सर्विस थर्ड सर्विस रहता है कि पेड सर्विस मतलब एक 6 मंथ बैक सर्विस होती एक 1 ईयर रखी हुआ गाड़ी सर्विस रहता तो बेसिकली सर्विस अपने पास रहता सर इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर ड्रम रबर ब्रेक शू डिस्क पैड और फोम वॉश टोटली बेसिकली सर्विस वो तो अपने पास ने शुरू से आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई सर्विस दी जाती है कस्टमर के लिए आपके पास क्या है डिफरेंट डिफरेंट के सर्विसेज रहते बोले तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस का मतलब उसका प्राइस भी अलग अलग रहता ना भाई हाँ प्राइस भी अलग अलग रहता है जैसे जेन्युइन ओरिजिनल पार्ट्स ओरिजिनल पार्ट देखिए अब लोकल शॉप्स में या तो फिर कहीं और सर्विस कराए पार्ट्स में भी डिफरेंट रहता ठीक है एक 200 रुपीस का पार्ट्स आपको मिलेगा तो लोकल में अगर आप लेंगे तो 40 रुपीस का भी पार्ट्स रहेगा सेम रहेगा लेकिन अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन पार्ट्स डालते हैं टोटली सर्विस के आपको 2500 रुपीस लिया जाता वॉशिंग से लेके और पूरा स्पेयर पार्ट्स ऑयल ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर ब्रेक शू ड्रम रबर फ्रंट डिस्क पैड पूरा फोम वॉश के साथ 2500 में कंप्लीट जेन्युइन पार्ट्स के साथ बोल रहा हूँ मैं अच्छा हाँ जैसे अपने पास देख सकते हो कंपनी का मोतुल इंजन ऑयल का ड्रम आया हुआ अपने पास लोकल ऑयल भी यूज़ नहीं किया जाता जैसे 50W20 या तो फिर 15W40 इंजन ऑयल ऐसे क्वालिटी ऑयल अपने पास यूज़ करेंगे और अमाउंट के बारे में देखा गया तो आप बार कोड स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि पार्ट्स ये जेन्युइन है या तो फिर डुप्लीकेट पार्ट्स में खाली पार्ट्स बता के अमाउंट ले रहा हूँ कस्टमर को वैसे भी
गलत थिंकिंग हो जाएंगे आपसे, क्योंकि लोकल मैकेनिक का बहुत ऐसे चीज़ें हैं। तो ये बात तो अच्छी बात है, क्योंकि लोग अभी समझते कि ये लोकल पार्ट है, तो ऐसा भी नहीं रहता। पर बार कोड भी डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं आप, डायरेक्ट फोन में अपने स्कैन करके गूगल सर्च कर सकते हैं आप, डायरेक्ट अपने को पता चल जाएगा आराम से। और एक रीबुलेट जोन में आपको ये भी बताने के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अपने गने एक शोरूम जैसे गच्चीबोली है, जुबली शोरूम है और एक सनत नगर शोरूम है, वहाँ पर गाड़ी लिए बाद कस्टमर सेल्स के बाद एक्स्ट्रा फिटिंग के लिए कस्टमर बाहर निकलते। अब बाहर निकले तो वहाँ वो लोग को ज़्यादा जैसे कि एरियाज के बारे में नॉलेज नहीं रहता। अब कस्टमर जैसे सीधा रामकोट चले जाता, वो रामकोट, अब रामकोट पे क्या है 600 की क्वालिटी से लेके 5500, कस्टमर को ये नहीं मालूम रहता कि ये असली है या डुप्लीकेट, जेन्यून है या तो फिर डुप्लीकेट, ये कस्टमर को नॉलेज नहीं रहता। ताकि आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा फिटिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह ले लेके आऊँ, इनफील के लिए ख़ास तौर पर BS 3 से लेके BS 6 तक मेरे पास एक्स्ट्रा फिटिंग है। आप देख सकते हैं बम्पर से लेके साइलेंसर से लेके हर वो मॉक्सी के लाइट्स भी अवेलेबल हैं। कस्टमर कौन सा भी, जैसे अर्जुन गाड़ी सीट है, अब कस्टमर बोल रहा कि मैं जो मुझे इनफील्ड का इंजन छोड़ के भाई आप पूरा गाड़ी अलग कर देना चाहिए, जैसे कबीर सिंह मूवी आई हुई है, आप कस्टमर ज़्यादा उसका ही ख्वाहिश कर रहे हैं, आपको वो उसी तरीक़ा भी कि पूरा गाड़ी कंप्लीट हो जाएगा अपने। बस आप एक्स्ट्रा फिटिंग अगर शोरूम से लेके अगर गाड़ी अवेलेबल ले लिए तो आप सीधा डायरेक्टली रीबुलेट जोन सर्च करके आ सकते हैं आप, आपको हर तरीके का सर्विस दिया जाएगा और एक्स्ट्रा फिटिंग हर चीज़ देंगे, जेन्युइन पार्ट्स और रीजनेबल रेट से दिया जाएगा। और एक और बार भी मैं अपने कस्टमरों को बोलना चाहता हूँ भाई, देखो भाई जब एक्स्ट्रा फिटिंग के चीज़ों में क्या है, ओरिजिनल पार्ट्स नहीं होता, पूरे आफ्टर मार्केट के पार्ट्स रहते हैं। और हमारे असलम में बोल रहे हैं कि वो चीज़ें क्या है, आफ्टर मार्केट की चीज़ें रहते हैं, कस्टमर को पहचानने का नॉलेज नहीं रहता। शोरूम का रेट से भी बहुत सारा फर्क मिलता है, हम भी बोल के बोल रहे हैं ना भाई। हाँ 100%, जैसे कि कस्टमर शोरूम प्राइस रहेगा 3500, मेरे पास वही बम्पर एक्स्ट्रा फिटिंग में आएगा आपको 2500। आप जैसे सीट रिंग ले लो, अब शोरूम पे मिलेगा आपको 550 या 450, मेरे पास 350 में आ जाएगा। अब साइलेंसर ले लो, अब कंपनी साइलेंसर कस्टमर बोलता है कि मेरे को साइलेंट गाड़ी नहीं चलाना, अपने पास इंडोर साइलेंसर है, जेन्युइन साइलेंसर है 2500 विथ मफलर। हाँ आप रामकोट पे वही साइलेंसर लेंगे तो 800 रुपये फिरेगा, लेकिन मेरे पास लोकल स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं रखता हूँ मैं बताने जा रहा हूँ कि कस्टमर शोरूम से बाइक BS 6 या BS 4 गाड़ी ले बात उन लोगों को साउंड परफॉर्मेंस नहीं फील नहीं हो रहा आपको बुलेट चलाई सर का, तो मैं कस्टमर के लिए और भी साइलेंस के लिए वैराइटीज रखा हूँ अलग अलग, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आप साउंड सुन सकते, मफलर कितने चेंज होते, साइलेंसर तो वही रहता, थोड़ा डिफरेंट रहता, लेकिन साउंड परफॉर्मेंस भी कैसा रहता वो आपको चेक करवाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल आपके लिए, एक बार देख सकते हैं आप देख सकते हैं क्लासिक 350 को इंडोर साइलेंसर नॉर्मल रामकोट का लगे हुआ है, ये 800 का साइलेंसर है। ये सेल साइलेंसर मैं नहीं करता हूँ क्योंकि ये लोकल साइलेंसर है, आप इसका आवाज सुनिए मैं बताऊंगा आपको। ये इंडोर साइलेंसर है बट लेकिन उतना जैसे जेन्युइन बुलेट में लग सकता है ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली इंडोर साइलेंसर है। जैसे 2800 या आप देख सकते 800 में मिल जाता, 1000 रुपीज़ में मिल जाता, 1200 में मिल जाता, मैं ये कस्टमर कोई चीज़ नहीं डालता क्योंकि ये रामकोट का माल है। मेरे पास कौन सा साइलेंसर है सेम ये बीट का और क्वालिटी में आपको डिफरेंट बताता हूँ। अच्छा एक बार इसको रेस्ट भी करके बताओ ना, जब मैं ये रेस करता हूँ साउंड एक साथ आ रहा, एक साथ चक्कर ही आप, क्योंकि मैं ये गाड़ी का साइलेंसर खुद आया हुआ है, रामकोट का माल है, मैं आपको मेरा क्वालिटी बताऊंगा मैं आपको। चलो भाई एक बार असलम भाई का क्वालिटी देखेंगे उनका साइलेंसर का, एक बार लगाओ भाई। ये देखिए मैं जैसे कभी बताया ना कि मेरा क्वालिटी का साइलेंसर, आप शॉर्ट करके मैं आपको सुनाऊंगा एक बार। मैं एक्सप्लेन किया था ये इंडोर के बाद, ये है ये रेड रोस्टर्ड साइलेंसर, ये इसका प्राइस है ओरिजिनल 9700 इसका प्राइस है, आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, बट इसको इसका कॉपी भी मिलेगा आपको 3500 में। ये रामकोट से अगर आप साइलेंसर लेंगे तो इसका कॉपी भी है, मेरे पास भी है ये 3000 का साइलेंसर भी, इसका जीरोक्स है, कॉपी है वो।
ये आप देख सकते हैं नाम का इस साइलेंसर है रेड रोवर। एक डाउट मेरे को आ रहा कि ओरिजिनल में कॉपी में क्या फर्क रहता, उससे कुछ माइलेज कम होता है या उसका कुछ ड्रॉबैक क्या रहता? वो 110% अगर रेड रोवर की कॉपी था लेंगे तो कंपलसरी माइलेज कम होता, पिकअप कम होता, क्योंकि कॉपी वो बना देते वो अंदर का ओरिजिनल वैसा नहीं बना सकते, वो लोग मफलर नहीं बना सकते, तभी तो 3000 फाइनल में मिलेगा। तो रेड रोवर वाला ओरिजिनल लिए तो अपने को माइलेज भी कम नहीं होता और इंजन भी सही रहता, इंजन का परफॉर्मेंस भी बेहतरीन रहता। और इसके रेड रोस्टर के साथ एक एयर फिल्टर आपको चेंज कराना पड़ेगा, ये 3000 का रहेगा अमाउंट सिर्फ एयर फिल्टर। अगर इसके साथ ये एयर फिल्टर अगर पर मैच कर देंगे इंजन का माइलेज 45 100% 45 माइलेज रहेगा, पिकअप भी मस्त रहेगा गाड़ी, इंजन साउंड बेसिकली मस्त साइलेंट रहेगा गाड़ी आपको। अच्छा। मैं अभी चेक कर रहा हूँ। अब ओरिजिनल रोड रोस्टर साथ उसके साथ एयर फिल्टर भी बदला है तो जब जम जाएगा बोलो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो गया आपको तब माइलेज आपको 4500% आएगा। चलो एक बार रेड रोस्टर मैं आपको बीट सुना रहा हूँ रेड रोस्टर साले सर का। ये रेड रोस्टर ओरिजिनल का बीट है आपको, स्लो मूवमेंट में देखो फिर मैं पास करता हूँ। ये अभी सुना आपको मैं ओरिजिनल रेड रोस्टर 9700। अभी मैं आपको बताया कि रेड रोस्टर ओरिजिनल साइलेंसर में डिफरेंट और इसमें जीरोक्स में फर्क क्या था। ओके, रेड रोस्टर साइलेंसर में आपको ये लिखाई देगा। ओके, आप देखते हैं इसका लोगो ये 9700 का साइलेंसर आपको दिखाया तो ये सेम, ये अगर नाम आ रहा तो समझना ये कंपलसरी ओरिजिनल साइलेंसर है। आप ये देख सकते हैं मेरे पास सेम जीरोक साइलेंसर है, आप देख सकते हैं इधर भी नाम नहीं है रेड रोस्टर बोल। ओके, खाली प्लेन है बट डिज़ाइन सेम रहेगा। సో ఏదైతే చూసుకోండి గాయస్, ఇదైతే లోకల్ అని చెప్తున్నారు అన్న. సో దీంట్లో దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దానికి నేమ్ వస్తుంది విత్ లోగో, దీంట్లో ఏంటంటే నేమ్ రాదు, లోగో రాదు, ఏమి రాదు, ఇంకా బీటింగ్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది, అది కూడా నేను మీకు ఇన్స్టాల్ చేసి చూపిస్తాను. తర్వాత అవి రెడ్ రోస్టర్ సైలెన్సర్ కాపీ అభి బీట్ సునీ అప్పన్న 1 మినిట్ సేమ్ బీట్ రహతా, సైలెన్సర్ హెలికాప్టర్ సర్ కా బీట్ రహతా, పట్ 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 రహతా, रेड रोस्टर का आवाज़ नहीं आएगा इसमें, आप देख सकते हैं इसमें हेलीकॉप्टर का बीट आएगा बट साइलेंसर सेम रहेगा, ये जीरोक्स है। अगर आप ओरिजिनल में और डुप्लीकेट में बनाना तो यहाँ कंपलसरी या लोगो रहेगा इसका आरी रेड रोस्टर बोल के। तो ఇదొచ్చేసి గాయ్స్ మొత్తం ఇది డాల్ఫిన్ సైలెన్సర్ అన్న చెప్తుండు, డాల్ఫిన్ బోల్కే నామ్ నీ ఆతా సర్, ఈ బూమర్ బోల్కే ఆయేగా ఆప్కో నార్మల్ హా, ఈ కింగి ऐसा कोई कंपनी ना था नहीं, एक्स्ट्रा फिटिंग का पार्ट्स है ना सर ये। okay. जैसे कस्टमर बुलेट चलाए तो उसका, जैसे अब कोई कस्टमर रहता सर मेरे को कस्टमर बुलेट में मेरे को स्पोर्ट बाइक के साथ थोड़ा फील होना मेरे को चलाने के लिए, वो तो ये जब ये डॉल्फिन लगवाना गाड़ी में, मैं आपको एक इसका परफॉर्मेंस सुना तो एक बार लगवा के आप देख सकते हैं। रॉयल इनफील्ड में स्पोर्ट बाइक का फील होने के लिए तो एक डॉल्फिन कंपलसरी लगवाना जरूरी है, मैं आपको अभी साउंड सुना था स्टार्ट करके आप देख सकते हैं। ये आवाज घूमता पूरा स्पोर्ट बाइक के तरह घूमता आवाज, इसका आवाज जो ड्रम ड्रम बोल के आता, आप देख सकते इसका आवाज पूरा फ्लोर घूमता आवाज ही नहीं रोड का। एक्चुअली साइलेंसर से लेके बम्पर से लेके लेग गार्ड से लेके ये बैक सीट रिंग से लेके और ये साइड बैग्स भी पूरे एक्स्ट्रा फिटिंग री बुलेट्स और माधापुर में पूरा अवेलेबल है सर्विसिंग के साथ। चलो सो इधर गाइस नाकते रेड रोस्टर नचिंद इंक दाँत डॉल्फिन नचिंद इंका दाँत इंका डिफरेंट डिफरेंट साइलेंसर्स उन्नाई, सो मे प्रेज़ ने बटी अन्न सेलेक्ट इंका प्रेज़ ने बटी सौंड वस्तम इंक दाँत एक्स्ट्रा फिटिंग चूसुकुंटे बंपर्स अवेलेबल इंका बैक साइड चूडंडी ఇవన్నీ ఇవన్నీ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి, ఇంకా దాంతోపాటు హెడ్ లైట్స్ అనేవి ఇంకా అన్ని చూడండి సైడ్ బ్యాగ్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉన్నాయి, క్యా బోల్తే మీకు క్యారియర్ బ్యాగ్ బోల్తే సైడ్ క్యారియర్ బ్యాగ్, సో క్యారియర్ బ్యాగ్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉన్నాయి, అన్ని అవైలబుల్లో ఉన్నాయి గాయస్, సర్వీసింగ్తో పాటు మోడిఫికేషన్ ఇంకా దాంతోపాటు ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అవైలబుల్. 1962 సే లేకే బిఎస్ 6 తక్ पूरा रिपेयर होगा इन फील्ड में, रिपेयर भी होगा और एसेसरीज भी मिल जाते हैं। सीधे इधर चूँ आर्मी मॉडल बाइक है भाई, इसका कौन सा मॉडल कौन सा ईयर का गाड़ी है? 1962 का है गाड़ी, ये G2 इंजन है। अच्छा हाँ, 1960 से लेकर BS6 तक अपने पास सर्विस होगा।
ఎన్ఫీల్డ్ గా బాక్సెస్ వచ్చున్నాయి దీనికి అంటే అప్పట్లో ఇది ప్యాషన్ అన్నమాట ఇప్పుడైతే కాదు ఇది కస్టమర్స్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు మన అన్న ఇక్కడ చూడండి ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు భాయ్ ఆప్కా నామ్ బతా దో మేరా నామ్ రాహిల్ ఖాన్ హై రాహిల్ ఖాన్ राहिल खान है भाई आपका कौन सा गाड़ी था और हमारे आरी ब्लू जोन पे कैसा आया आप कैसा कांटेक्ट हुए इनसे मेरा देखिए थंडरबर्ड है ओके मैं एक्चुअली होर्डिंग देखा था ये लोग का अच्छा होर्डिंग वगैरह देख के करके फिर रिव्यूज वगैरह भी देखा ओके बट उतना रिव्यूज नहीं थे तभी अच्छा फिर थोड़ा मैं इधर उधर हो रहा था कि मतलब सर्विस कैसा रहता है क्या है पता नहीं था ओके तो आया आने के बाद सर्विस वगैरह कराने के बाद पता चला कि मतलब सर्विस तो काफी अच्छा है तो अच्छा लग रहा है मॉनिटरिंग वगैरह है वर्कमैनशिप है एक्सेलेंट क्वालिटी है प्रोडक्ट्स वगैरह लोग जेन्युइन यूज कर रहे हैं आरी के पूरा तो पूरा रिलायबल है ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड सर्विस तो आप बोलो आप पहले से भी आपका गाड़ी अभी बेहतर लग रहा है कि नहीं चलाने पर आप नहीं वो तो ऑब्वियस है बनाने के बाद तो बेहतर ही रहता बट काम अच्छा था कंपेयर अगर मैं कंपेयर करा आपको इसमें उसमें फर्क दिखा कि हाँ वही बता रहा मैं अगर मैं कंपेयर करा दूसरे लोग से ओके तो काफी बेहतर है और उसके अलावा अच्छा मेन इम्पोर्टेंट अच्छी बात ये अगर कुछ है तो ये लोग एक्सेप्ट करते कि मतलब ये ऐसी चीज नहीं हुआ तो उसको फिर से सेकंड अटेम्प्ट लेके करते ऐसे नहीं ये इतना ही रहता सर नहीं होता सर ऐसा ही रहता वो चीज नहीं दिखती आपको अच्छा आप तो फुल्ली सैटिस्फाइड है बोलो हाँ कम्प्लीटली तो अभी देखो भैया के लिए अभी तुम्हारे पास 10 स्टार है बोलो 10 स्टार में आप भैया को कितना देंगे वैसे तो देखो मैं देना चाहूंगा 10 बट 9 दूंगा क्यों बोलो मैं और बार बार आना चाहूंगा और इम्प्रूव होते रहना और इम्प्रूव होते रहना ये बात सही है भाई अच्छी बात बताया आपने तो और एक और भाई भी यहाँ पे रेडी है क्योंकि फीडबैक देने के लिए रेडी है भाई भाई भैया के दोस्त ही है भैया ने रेफर किया है इनको है ना भाई तो एक बार इनका भी फीडबैक सुनेंगे भाई आपका कौन सा गाड़ी था और आप हमारे आरी बुलेट जोन पे कैसे आके मिले बोलो इनके बारे में रिसेंटली अभी मैं i350 BS4 बाइक लिया जनरली हम लोगों के पास में ये हम लोग जब भी गाड़ी परचेस करते हैं एक फील होता है कि हमें जनरल सर्विसेज मिलते हैं गाड़ी की तरफ शोरूम की तरफ से शोरूम पे जाने के बाद में मैं इतना लाइक अटर डिसटिस्फाइड था क्योंकि वो लोग व्हाट दे डू इज उनका काम करने का तरीका उनका काम ही वो ये दे फील लाइक कि दे हैव देयर ओन वर्क एंड उनके काम में जो मतलब देयर इज समथिंग व्हिच अट्रैक्ट्स द कस्टमर वो नहीं दिखा अच्छा सो आई वाज जस्ट पासिंग थ्रू यहां से और हमारे जो भाई है राहिल भाई भी है जो थंडरबर्ड ओन करे हुए हैं तो उन्होंने मुझे यहां पे रेफर किया और साथ ही कहीं मैं नेट पे भी इनके बारे में सुना था तो आरी बुलेट जोन के बारे में पता चला जनरली मेरी बाइक के मैकेनिक्स हर जगह अवेलेबल नहीं है मैंने देखा कि काम भी उतना सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पे आने के बाद में लाइक एटमोस्ट द बेस्ट एनवायरनमेंट द बेस्ट पार्ट यहाँ पे है कि जब आप यहाँ पे आओगे जेन्युइन इंस्पेक्शन होता है वेदर गाड़ी में काम हो या ना हो जेन्युइन रिजल्ट मिलेगा पार्ट जो भी रिप्लेस करेंगे वो 100% जेन्युइन रहेंगे और उसके बाद में जब आप टेस्ट ड्राइव लोगे आपको हर वक्त यही फील आएगा कि आपने एक शोरूम से नया गाड़ी लिया है उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ तो आप तो ऐसा फील होने पर गारंटी दे रहे हैं वो तो अच्छा बात है मैं खास तौर पे वो चीज़ देख रहा था अच्छा। कई बार मैं दूसरी जगह पे मेरे पास में मैंने कई गाड़ी ओन की हुए हैं तो मैं मुझे वो बात नजर नहीं आई क्योंकि हम लोग के पास में ये होता है ना कि लाइक हम लोग जब भी गाड़ी देते हैं शोरूम पे या मैकेनिक्स के पास में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और हर कोई बात क्या बोलते हैं कि भाई शोरूम पे वो शोरूम की बात नहीं आएगी क्योंकि गाड़ी यूज करी हुई है यहाँ पे वो बात नहीं आएगी आपको अच्छा भाई आप भी तो फीडबैक दे दिए अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को भी बहुत अच्छा लगा तो बोलो आप फुल्ली सैटिस्फाइड दिख रहे और ये क्या है 10 स्टार है बोलो भैया को आप कितना देंगे बोलो आप तो हमारे भैया तो रॉयल भैया तो 9 दे दिए और 10 तो देने का था उनका इरादा पर 9 दे दिया आप कितने देंगे बोलो नहीं, मैं 10 में से 10 भी अगर दूंगा तो भाई से ही बोलूंगा कि भाई ऐसा कुछ करे कि 10 में से 11 देना पड़े 10 में से 11 देखो ये तो और भी ज्यादा है भाई 10 से बढ़ के 6 और भाई हमारे रॉयल एनफील्ड के जोन के क्या है ओनर है भाई आपका एड्रेस एक और बार बता दो ताकि कस्टमरों को ईजी हो जाए मेरा एड्रेस है देखो माधापुर री बुलेट जोन ओके सर 100 फीट रोड चलो ठीक है गाइस ఇవాల్టిలో అయితే మొత్తం మీకు ఎక్స్ట్రా యాక్సెసరీస్ కొత్త ఎక్స్ట్రా యాక్సెసరీస్ గురించి చూపించాను ఇంకా దాంతో పాటు ఎక్స్ట్రా మోడిఫికేషన్ థింగ్స్ గురించి చూపించాను ఇంకా లైట్స్ కానీ బంపర్స్ కానీ సైలెన్సర్స్ కానీ వీటి గురించి మన చాలామంది కస్టమర్స్ నాకు అడుగుతున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అసలు ఏ సైలెన్సర్ ఇచ్చాలి ఏది బెస్ట్ అనేది చాలామంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను అస్లం అయితే మీట్ అయ్యాను అస్లం మీరు కూడా నాకు సపోర్ట్ చేసి ఒక వీడియో చేయడానికి వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యారు అన్నమాట సో గాయస్ ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అనుకుంటే ఇంకా నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా నా ఛానల్ని లైక్ షేర్ కమెంట్ తప్పకుండా చేయండి గాయస్ ఇంకా ఫేస్బుక్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో నా పేజ్కి ఫాలో అవ్వండి ఇంకా దాంతోపాటు మీకు వీళ్ళు చేసిన ఓల్డ్ బైక్స్ కూడా చూడాలంటే గాయస్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ని ఫాలో అవ్వండి నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ నేమ్ వచ్చేసి SHK 54943 ఇంకా ఫేస్బుక్లో నా పేజ్ వచ్చేసి
ఎక్స్ఎచ్ఏకేఆర్ స్పేస్ ఆర్ఈ బీఎంపీ అనమాట. దాంతోపాటు అన్నవి కూడా సపరేట్గా పేజెస్ ఉన్నాయి, ఫేస్బుక్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ వీళ్ళకి పేజెస్ ఉన్నాయి గాయస్. సో దాంట్లో కూడా మీరు ఫాలో చేసుకోండి గాయస్. సో ఇంతటితో మనం వీడియో చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.